हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले आप 5.1 का 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत इजी होने वाला है। फिलअप करना है, इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें करना नहीं है, सोल्यूशन तो है ही नहीं, बट जो भी हमारी स्टेटमेंट दी गई है पहले उसको समझना है, फिर फिलअप क्या आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमने फिलअप करना है। तो क्या करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जरूर लिखा है बट 3 स्टेटमेंट दी गई है, फिलअप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम। देखो क्या लिखा है, इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कोई दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, उनका सम कितने डिग्री का होगा ये पूछा है। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम कितना होगा, तो आपको तो पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का सम हमारा 90 डिग्री। तो सिंपल सा यहाँ बहुत इजी जा रहा है, देखो 90 डिग्री सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पूरी एक्सरसाइज में ही डिस्कस हुआ है, तो इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो देखो नेक्स्ट लाइन सेम है, इफ सेम है, हल्का सा सप्लीमेंट्री आ गया। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ दियर मेजर इज, उनकी माप कितने डिग्री की होगी, एक तरीके से कितने का होगा। अगर कोई हमारे सप्लीमेंट्री एंगल से तो उनका सम कितना होगा, दोनों को अगर सम कर दिया जाए। आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का अगर सम किया जाए तो हमारा कितना निकलता, 180 डिग्री। तो यहां हम लिख देंगे 180 डिग्री, तो बस ये फिलअप कर देंगे। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। देखो दोनों तो बहुत इजी निकली है, इजी इसलिए निकली है ताकि हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, और एक्सरसाइज भी हमारी किसकी हेल्प से हुई है, हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उसकी वजह से। अगर इंट्रोडक्शन आप ना देखते तो शायद आपके लिए हार्ड होने वाली थी एक्सरसाइज। अगर जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखी वो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखे, बाकी एक्सरसाइज तो बहुत ईजी निकलेगी। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका, थर्ड पार्ट देखो, इफ टू एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट कहना क्या चाह रहा है, एडजेसेंट एंगल्स मतलब, एडजेसेंट एंगल मैंने समझाया था जिनका वर्टेक्स कॉमन हो एंड एक साइड कॉमन हो, मींस इस टाइप के एंगल। मैं दिखा देता हूं आपको, सप्लीमेंट्री बोला तो सप्लीमेंट्री इस टाइप से, ये दो एंगल हो गए हमारे ए बी सी मतलब, और ये ओ हो गया, सी ओ बी एंड सी ओ ए, कॉमन पॉइंट ओ हो गया और कॉमन साइड हमारी ये हो गई। तो इसने बोला अगर इफ टू एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री, अगर दो सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल है, सप्लीमेंट्री दे फॉर्म आ, क्या फॉर्म करेंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल ही फॉर्म करेंगे। तो यहां लिख देंगे सिंपल सा, सप्लीमेंट्री फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ये मैंने नीचे लिख दिया, आ नहीं रहा था, सप्लीमेंट्री। बहुत इजी सिंपल सा, देखो इसने क्या बोलता, इफ टू एडजेसेंट आर, अगर दो एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री है, दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, दे फॉर्म आ, क्या फॉर्म करेंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल ही फॉर्म करेंगे जब दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था। देखो मैंने एक जरूर बनाया, ऐसे बने गए इसके अकॉर्डिंग, तो बाकी डायग्राम का तो कुछ था नहीं इसमें। एडजेसेंट मैंने आपको समझा रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में और बाकी एक्सरसाइज में भी यूज हुआ था। ये तीनों स्टेटमेंट हमने फिलअप कर दिए आपको समझाते हुए, आशा करते हुए आपको जरूर समझ में आई होगी। तो देखो इसमें 3 स्टेटमेंट थी, 1 2 3 और फिलअप था, बाकी 9th क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।